नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करते होने वाला हूं कि सहारा के इन्वेस्टर्स ने दिल्ली में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर के सुब्रत रॉय सहारा के लिए बात कही सरकार से कि उनका पैसा सारडिया परिवार की तरफ से नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने हॉस्पिटल के इलाज के लिए, किसी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, मतलब हर व्यक्ति ने किसी न किसी मकसद से जो है सारडिया परिवार में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जीव भविष्य के में आगे आने वाली ज़रूरतों की भरपाई हो सके। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोगों ने अपने सपने सजो रखे थे कि हमने सारे इंडिया परिवार पे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट करने से हमारे जो पैसे हैं वो वापस मिल पाएंगे और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। क्योंकि अगर बात करें तो बहुत 2008 तक सारे इंडिया परिवार ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा यानी कि विश्वास, ट्रस्ट बन गया इस कंपनी पर। लोगों को ये लगा कि ये हमारे भारत की नेशनल लेवल पर ही कंपनी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी ये कंपनी फेमस हो रही है, तो ये भरोसेमंद कंपनी है। यहाँ तक कि सारंडिया परिवार ने अन्य सेक्टर्स में भी अपना योगदान दिया, जैसे कि सहारा मीडिया में सहारा के बहुत सारे चैनल्स भी रिलीज़ किए गए और बहुत सारे इसके न्यूज़पेपर और बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गज लोग भी सारंडिया परिवार से जुड़ते हुए पब्लिक को नज़र आए, जिसकी वजह से सुब्रत रॉय सहारा पर लोगों का अटूट विश्वास बनने लगा और लोगों ने अपनी लाखों करोड़ों की पूंजी इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे सिर्फ अमीरों का ही नहीं, बहुत सारे गरीबों का भी पैसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों।